हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जिनका अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुआ था बीए के स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल का, और ये को करिकुलम कोर्स से संबंधित आपका पेपर है। 50 क्वेश्चंस पहले ही हम अपलोड कर चुके थे आपके जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर कीज। अब लेकर आए हैं आपके 52 तक हो चुके थे, 53 से अब स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हिंदी मिरर की तरफ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और लाइक बनता है कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथ के सभी साथियों को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब शेयर करते हैं तो दूसरे की केयर करते हैं, क्योंकि हम आपकी केयर करते हैं तभी हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अभी आपके, तो आपके कितने नंबर बने हैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो क्वालिफाइड पेपर है आपका वो करिकुलम का, तो इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 40 मार्क्स इसमें आने आपके चाहेंगे, उसे ऊपर आ जाएं कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे वक्ताओं की अधिक समझना, तो यहाँ पर क्या आपका आंसर जाने वाला है देख लीजिए। पैसा कमाना, करियर में उन्नति, प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। अब हम देख लेते हैं 53 का आंसर क्या आप सोच रहे हैं। अगर आपने सोचा है करियर में उन्नति, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना, अगर आपकी उन्नति होगी तो पैसा तो खुद बेखुद आ जाएगा, करियर में उन्नति होगी तो प्रेरणा आपको मिल ही जाएगी, तो अच्छे वक्ताओं की अधिक संभावना करियर में उन्नति होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छे वक्ता की क्षमता होती है त्वरित विश्लेषण, समझ, पैराफ्रासिंग या इनमें से सभी, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे कि क्या आंसर यहाँ पर जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी होती है, साथ में आपका यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश में, अगर आपको ये हिंदी में थोड़ा टिपिकल लग रहा है वर्ड, तो ये होता है क्विक एनालॉजी, क्या एक तुरंत से कोई चीज़ को सोचना समझना, तो यहाँ पर त्वरित विश्लेषण वही होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर पैराफ्रासिंग है, फिर इसके बाद है इनमें से सभी। तो हमने कहा था कि 90% इस तरह के जो आंसर होते हैं वो सही जाते हैं, तो डी यहाँ पर आंसर आपका जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 55 पर। अंतिम लक्ष्य बोलना है, तो जब आप कोई बात कर रहे हैं तो उसमें जब आपका लक्ष्य होना चाहिए, तो जब किस तरह का लक्ष्य होना चाहिए, जब आपको बोलने के लिए मिले तो बहुत तेज़ बोलें आप, या संवादि गति से बोलें, या बहुत धीमी गति से बोलें, या फिर आप स्थिर गति से बोलें, तो ये तो खैर हो ही नहीं सकता लास्ट वाला। तो अब आते हैं, बहुत तेज़ बोलेंगे तो कोई समझेगा नहीं, आप स्लो बोलेंगे तब भी दिक्कत होगी, तो यहाँ पर आएगा आपका कन्वर्सेशन पेस, ठीक है, संवादि गति, एक आपका फ्लो होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका ब्लर आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है। ईमेल पता का दूसरा भाग यहाँ पर पूछा गया है, दूसरे भाग की पहचान करता है, तो थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये है बैंक का नाम, ईमेल सर्वर का नाम, व्यक्तिगत उपभोक्ता का नाम, या फिर मोबाइल का नाम। तो यहाँ पर आप क्या ऑप्शन डाल सकते हैं, तो ईमेल पते का जो दूसरा भाग, मेल सभी की होती है, कोई कैसे बनाता है अपनी मेल, नाम बना देते हैं, फिर @ फिर gmail.com ऐसे डाल देते हैं, तो अलग अलग उसकी वो होती हैं, तो यहाँ पर 56 का आंसर आपका जाएगा बी, ईमेल सर्वर का नाम, जो दूसरा भाग होता है ईमेल सर्वर, आप जीमेल पे बना रहे हैं तो जीमेल क्या है, दूसरा भाग है। चलिए आगे चलते हैं 57 पर। ये भी थोड़ा ब्लर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा है, देख लीजिए। ईमेल एक ईमेल के गैर पाठ जानकारी हो सकती है, जो क्या है, डायमंड का पता, फिर यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, सॉरी डाउनलोड किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, यहाँ थोड़ा ये ब्लर आ रहा है, हमें भी यहाँ पर दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, ठीक है। चलिए आगे, इसका आंसर 57 का वैसे भी आपका ए ही जा रहा है, तो यहाँ पर जाएगा डाउनलोड की गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 पर आ चुके हैं। ईमेल पते के
अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ईमेल पते के उपयोगकर्ता को ईमेल सर्वर भागों को प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है। तो एक तरफ आपका नाम आ गया, एक दूसरी तरफ ईमेल सर्वर का नाम आ गया, और बीच में क्या आता है, एट द रेट। सभी को मालूम है ना, एट द रेट से हम इसको अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 59 की तरफ आ चुके हैं। ईमेल पते का पहला भाग की पहचान करता है, दूसरे भाग में मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल सर्वर का नाम आता है, और पहले भाग में किसका नाम आता है, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का नाम, जो उसको यूज करेगा, जिसको मेल यूज करेगा उसका नाम आता है, और बीच में क्या आता है, एट द रेट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60, ईमेल संचार में सीसी का क्या अर्थ है। जब आप मेल करते हैं आपने देखा होगा सीसी आ जाता है, बीसी आ जाता है, इस तरह के कई सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन सीसी का हमें देखना है ठंडी कोल्ड कॉफ़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी का कोई मतलब ही नहीं है, आकस्मिक प्रति यानी कि कैजुअल कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, लेकिन यहाँ पर इसका जाएगा कार्बन कॉपी। आपने एक मेल भेज दिया, फिर उसी को आप सीसी करके दूसरी कॉपी में आप उसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीमेल में मेन फोल्डर क्या है, आपकी मेल है तो उसमें मेन फोल्डर क्या होगा, स्पैम होगा या फिर स्टार होगा या फिर ट्रैश होगा या फिर इनबॉक्स होगा। तो जो मेन फोल्डर होता है वो इनबॉक्स होता है, क्योंकि उसी में आपका सब कुछ होता है। चलिए आगे चलते हैं, ईमेल में जुड़ी फाइल को कहा जाता है, क्या कहते हैं, जो ईमेल से जुड़ी फाइल होती है कंटेंट बोलते हैं या बीसीसी बोलते हैं। देखिए बीसीसी आ गया ना, यहाँ पर ऊपर सीसी था और यहाँ पर नीचे बीसीसी, ठीक है। इस हो सकता है नेक्स्ट जब फर्स्ट सेम के ये पहला पेपर हो तो बीसीसी के बारे में पूछ लें, इस बार सीसी के बारे में पूछा है, चलिए ये तो बात की बात है। आगे है अनुरक्ति और विषय, अनुरक्ति को बोलाता है अटैचमेंट इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, हिंदी में कम आते हैं समझ में। तो कोशिश किया कीजिए कि कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चन आप इंग्लिश में ही तैयार करें। तो अनुरक्ति का मतलब हो जाएगा अटैचमेंट, तो यहाँ पर इसको अटैचमेंट ही कहा जाएगा। अब आ गए हैं आपके 63 क्वेश्चन पर, हम ईमेल का उपयोग क्यों करते हैं। एक ही समय में कई लोगों के साथ संवाद करने में, दस्तावेजों फाइलों को साझा करने के लिए, वास्तविक समय में एक दूसरे से बात करने के लिए, संचार का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बात किसी को एक ही समय में क्या करना है, 63 का आंसर आपका जाएगा बी, जो आपके दस्तावेज और फाइल हैं उनको आप साझा करते हैं, ठीक है, मेल के द्वारा, तभी तो अटैचमेंट करते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, तब होता है जब एक व्यक्ति एक बड़ी सभा को संबोधित करता है, क्या होता है, सार्वजनिक संचार, छोटा समूह संचार, लिखित संचार, पारस्परिक संचार। तो इनमें से ऐसा कौन सा संचार है जब हम क्या, जब एक व्यक्ति बड़ी एक सभा को संबोधित करता है, तो इसमें से कौन सा संचार है जब वो करता है, तो इसमें वह क्या करेगा, सार्वजनिक संचार, बहुत बड़े उसमें वो संचार कर रहा है, तो सभा को संबोधित कर रहा है, तो वो सार्वजनिक संचार है। नेक्स्ट है, मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। भई आपको जो है, हो सकता है टेक्निक किसी से ना आए, आपको आती है दूसरे से नहीं आती है, या फिर आपको परिपढ़नी, यहाँ पर इंग्लिश का इसका देख सकते हैं, या फिर शब्द जाल, नहीं इनमें से कोई सा नहीं हो सकता। सरल बातों में जब आप करोगे तभी आप किसी से क्या कर पाओगे, मौखिक संचार कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 66, अब देख लीजिए 66, गृह कार्य के बारे में चर्चा करने वाले दो मित्र का एक उदाहरण है। तो क्या जाने वाला है यह आंसर 66 में, क्या पारस्परिक संचार है या फिर लिखित संचार है या छोटा समूह संचार है या फिर सार्वजनिक संचार है। तो 66 में यहाँ पर आपका आंसर जाने वाला है सी, छोटा समूह संचार, सिर्फ दो ही व्यक्ति बात कर रहे हैं। अगर खूब सारे व्यक्ति बात करते रहते तो वो क्या होता, आपका बड़े समूह वाला विचार संचार। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन संदेश सुनता या समझता है। तो आप तो भेजने वाले हो, आप प्रेषक हो, आपने जिसके माध्यम से भेजा वो चैनल हो गया, और जो उसको समझ रहा है, सुन रहा है,
वह क्या है? रिसीवर है। कल मैंने ये पूरा सर्कल आपको बना के दिया था कि यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं, तब ये संचार चलता है। आगे चलते हैं 68 पर। निम्न में से कौन सा कौशल ठीक से संवाद करने के लिए महत्वपूर्ण है? पढ़ना, बोलना, लिखना, उपरोक्त सभी। तो मैंने कई बार बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन 90% बिल्कुल सही जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए तीनों ही चीज़ ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है आपका 69। संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका बीएससी और बीकॉम में आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन आपका ये बीच में डाल दिया गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर डाल दिया गया है। अगर आपने बीएससी बीकॉम वाली हमारी वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता होगा, लगाइए खुद से इसका आंसर क्या जाएगा। हम नेक्स्ट पर चलते हैं, आ चुके हैं 70 पर। ए बी को एक संदेश भेज रहा है, यहाँ रिसीवर कौन है? भाई मैं ए हूँ, आप बी हैं, तो आप मेरा संदेश ले रहे हैं, तो यहाँ पर रिसीवर कौन है? बिल्कुल अभी बताया था कि जो संदेश देता है वह प्रेषक होता है, जो लेता है उसको क्या कहते हैं? रिसीवर। तो यहाँ पर बी क्या बनेगा? रिसीवर है। चलिए आगे चलते हैं 71 पर। निम्न में से संचार किस विधि में बॉडी लैंग्वेज देखी जा सकती है? कौन सा संचार ऐसा है जिसमें बॉडी लैंग्वेज देखते हैं? तो आमने सामने भाई मेल पे तो आप नहीं देख सकते बॉडी लैंग्वेज, ना ब्लॉग में देख सकते हैं, ना पोस्टर में देख सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, फेस टू फेस। चलिए आगे चलते हैं 71 के बाद 72 पर। में ध्वनि शब्द भाषा और भाषण शामिल हैं। अब यहाँ इतने दो संवाद दिए हैं, तो आप ध्वनि शब्द भाषा का अशाब्दिक के तो नहीं यूज कर सकते हैं, ये तो आप बिना बोले ही बिना ध्वनि के बिना शब्दों के भी कर सकते हो, लेकिन शाब्दिक जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल होगा वहाँ पर आपको ध्वनि शब्द भाषा सभी की ज़रूरत होगी। सीधे सीधे आंसर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आपको नेक्स्ट जो आपका को करिकुलम है कहीं ना कहीं एक दूसरे से, ये जितने भी को करिकुलम आपके लिए गए हैं पेपर अटैच है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। संप्रेषण की सही विधि का चुनाव पर निर्भर करता है, लक्षित दर्शक, लागत, आवश्यक प्राथमिकता या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन कहाँ जाते हैं, बिल्कुल सही में जाते हैं, एक जैसे क्वेश्चंस जैसे ये उपरोक्त सभी या इनमें से सभी, ये सब मैंने आपको कह रखा है कि इस तरह के आंसर ही सही होते हैं। नेक्स्ट है 74। प्राप्तकर्ता की पावती और संदेश की प्रतिक्रिया है। अब यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अगर आपको पावती का अर्थ नहीं पता है, रिसीवर नॉलेजमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द मैसेज, ठीक है। तो फीडबैक, बैकफीड, फीड या फिर जानकारी, तो ये तो अजीब से वर्ड हैं, फीडबैक यहाँ पर आंसर जाएगा इसका 74 का। अब देख लीजिए 75। संचार वक्र के तत्व हैं। बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको समझाया था और ऐसे सर्कल बना के दिखाया था मैंने आपको, तो क्या है? प्रेषक भी है, चैनल भी है, रिसीवर भी है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। 76 देख लीजिए। बिना किसी मौखिक या लिखित शब्द का उपयोग किए सूचना या संदेशों का आदान प्रदान होता है। अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ आपको लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े ना ही बोलने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ कौन सा संचार होता है? वहाँ होता है अशाब्दिक। और अशाब्दिक में आप क्या करते हैं? आप इशारों से कोई बात बताते हैं, आँखों के या हाव भाव के किसी भी तरीके से या हाथों के इशारों से, तो वह क्या होता है? अशाब्दिक संवाद होता है। कई बार आपने देखा होगा क्लास में जब आप शोर करते हैं तो आपका टीचर ना तो लिखकर आपको बोलता है ना ही बोलकर बोलता है कि चुप हो जाइए, वो सिर्फ आंखों से आपको गुस्सा दिखाता है तो आप शांत हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं अशाब्दिक संचार। वो बोले भी नहीं और आप समझ भी गए कि आपको क्लास में चुप बैठना है। तो इस तरह के उदाहरण होते हैं ये वाले। निम्न में से कौन संचार का तरीका नहीं है? तो देख लीजिए, मौखिक है, गैर मौखिक भी है, नॉन वर्बल भी होता है, वर्बल भी होता है, दृश्य भी होता है। आप दृश्य के द्वारा भी संचार कर सकते हो, लेकिन दृश्यमान के द्वारा आप संचार नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, नाखून चबाना दिखाता है आपकी खुशी। खुशी में तो आप नहीं चबाओगे, क्रोध में भी नहीं चबाओगे, आत्मविश्वास में भी नहीं चबाओगे। कई बार ऐसा होता है
कि जो स्टूडेंट या कोई भी हो सकता है उसमें स्टूडेंट के अलावा भी, तो जब आपको घबराहट होती है तो कई बार आप नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्रोध में तो कोई नहीं करेगा। अब आ चुके हैं 79 पर। क्लासरूम टीचिंग का एक उदाहरण है, लिखित मौखिक अशाब्दिक उपरोक्त कोई नहीं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो टीचिंग होती है वो मौखिक संवाद के द्वारा होती है, लिखित भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो टीचिंग होती है वो वर्बल कम्युनिकेशन में होती है। क्योंकि हायर एजुकेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट आप देखते होंगे कि आपको क्लास में लिखवाया कम जाता है और आपको लेक्चर जब दिया जाता है तो सिर्फ समझाने के बेस से मास टीचर बोलते हैं और आपको समझा कर चले जाते हैं, फिर बाद में नोट्स स्टूडेंट खुद से ही बनाते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन दो तरह से जा सकता है। हमारे हायर एजुकेशन में अगर जाएगा तो मौखिक संवाद, लेकिन अगर आप इंटर तक या फिर हाई स्कूल तक जाएंगे तो लिखित संचार। लेकिन आपका ये पेपर बीए का है तो आप इसके मौखिक संवाद के थ्रू ही जाओगे। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80। निम्न में से कौन सा संचार 7C सिद्धांत नहीं है? 7C के सिद्धांत हैं तो उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है? तो ठोस, पूर्ण या सुसंगत या फिर तुलना करना। तो 80 का आपका आंसर जाएगा डी, तुलना करना नहीं आता है 7C में, जो ठोस भी आता है, पूर्ण भी और आपका सुसंगत भी आता है। नेक्स्ट है 81। विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं के कारण संवाद करने में असमर्थता होगी। आप पंजाबी है, कोई तेलुगु है, कोई जो है गुजराती है, तो वहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? शारीरिक भी नहीं आएगी, सांस्कृतिक बाधा भी नहीं आएगी, संगठन की बाधा भी नहीं आएगी, वहाँ आएगी भाषाई बाधा। और इस तरह के क्वेश्चन कई तरह से पूछे गए हैं, भाई आप गुजराती बोल रहे हैं, मैं पंजाबी बोल रही हूँ, कोई तेलुगु बोल रहा है, तो वहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वहाँ संवाद करने में असमर्थता भाषा के कारण आ सकती है। 82 का देख लीजिए। निम्न में से कौन एक दूसरे माध्यम से संदेश प्रसारित भेजता है? बिल्कुल मैंने अभी आपको बताई थी ये चीज़। इस क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को घुमा दिया है। और आंसर क्या पूछा गया है, इनमें से कौन एक है जो संदेश प्रसारित करता है यानी कि भेजता है, ये यहाँ पर दूसरे माध्यम से भेजता है, यानी कि जो भेज रहा है वह किस माध्यम से संदेश को भेज रहा है। तो लेकिन पूछा क्या गया है, जो भेज रहा है। तो 82 का आंसर यहाँ पर जाएगा सी, प्रेषक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नुकीली उंगली आरोप लगाने का इशारा हो सकती है। भाई आप किसी की तरफ को उंगली करके कोई बात कह रहे हो तो आरोप लगा रहे हो या कुछ और भी बता सकते हो। अब यहाँ पर ये असत्य भी, क्योंकि आरोप के अलावा भी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आरोप भी लगा सकते हो आप, है ना। अब उसने सीधा सीधा आरोप बताया है तो यहाँ पर ये सत्य भी हो सकता है। सत्य इसमें 90% और असत्य इसमें 10% जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। नेक्स्ट है, प्रतिभागी को दूसरे व्यक्त किए गए विचारों के सम्मान के साथ सुनना चाहिए। बिल्कुल सही है, सत्य है। अगर आप कोई आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है या कोई बात बता रहा है तो आपको उसकी बात सम्मानपूर्वक सुननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नौकरी के साक्षात्कार का एक ही उद्देश्य होता है? नहीं, सबके जो जितने भी इंटरव्यू होते हैं सब अलग अलग बेस पे होते हैं, अलग अलग सबके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये आंसर आपका क्या जाएगा, असत्य, क्योंकि सत्य नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं हर इंटरव्यू के। जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो जॉब के हिसाब से बनते हैं, जैसी जॉब होगी वैसे ही आपके उद्देश्य होंगे। चलिए आगे चलते हैं 86 पर। किस प्रकार के साक्षात्कार में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें नौकरी के लिए आवेदन करने वाले की रोजगार योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है? किसमें किया जाता है बताइए, तनाव में, स्क्रीनिंग में, समूह में, व्यावहारिक में? तनाव में नहीं हो सकता, समूह में नहीं हो सकता, व्यावहारिक में भी नहीं हो सकता। तो 86 का आंसर जाएगा स्क्रीनिंग में, ठीक है। याद रखिएगा इस तरह के इंटरव्यू के बारे में, आप भी कहीं जाएंगे जब। इनमें से कौन सा साक्षात्कार कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अनुकूलित है?
तो कौन सा होगा, तनाव समूह स्क्रीनिंग या ऑडिशन? तो यहाँ पर 87 का आंसर भी आपका स्क्रीनिंग ही जाएगा, दोनों का आंसर सेम ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस दोनों अलग अलग पूछे गए हैं, आंसर दोनों का सेम है। चलिए आगे चलते हैं 88 पर, संचार अधिकारियों को कर्मचारियों को करने में मदद करता है, जो अधिकारी हैं वो कर्मचारियों के साथ करने में क्या मदद करेगा, उनको हटाने में, उनको धमकी देने में, उनको अवगत कराने में, या फिर उनको प्रेरित करने में? तो 88 का क्या आंसर जाना चाहिए आपके हिसाब से? तो 88 का अवगत कराने में, जो अधिकारी हैं संचार अधिकारियों को कर्मचारियों को अवगत करने में मदद करता है, कोई भी बात है तो आप संचार के माध्यम से तो उनको बताओगे कि ये भाई बात है, बिना संचार के कैसे आप बता सकते हो, तो अवगत करने में मदद करता है। इसमें प्रेरित भी डाला है बहुत से स्टूडेंट्स ने, तो प्रेरित तो करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब संचार ही नहीं होगा, आप उनको कोई बात बताएंगे ही नहीं, उनसे अवगत ही नहीं कराओगे, तो उन्हें प्रेरित कैसे कर सकते हो? पहले तो आप उन्हें अवगत करोगे ना बात से। चलिए 89 की तरफ चलिए, संगठन के भीतर संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज को ध्यान से सुनिए, जो संगठन है इसके भीतर संवाद हो रहा है और उसमें जो दस्तावेज हम प्रयोग करेंगे वह क्या होंगे? पत्र होंगे, मेमो होंगे, ईमेल होंगे, टेलेक्स होंगे? तो 89 का आंसर, अगर आपने मेमो लगाया तो बिल्कुल सही है। किसी भी संगठन में कोई भी दस्तावेज हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं संवाद के लिए, तो उसे मेमो बोलते हैं। नेक्स्ट है 90, नौकरी के आवेदन में विषय लिखा जाता है, आप पहले अभिवादन करोगे या उसके पश्चात करोगे? ये तो खैर दोनों होंगे ही नहीं, लेकिन इन दोनों में क्या करोगे आप? इसमें आप पहले तो अभिवादन करोगे ना, उसके बाद ही तो करोगे, अभिवादन के पश्चात आप विषय लिखोगे। लिखते नहीं आप टू द प्रिंसिपल, फिर लास्ट में फिर नीचे डालते हो सब्जेक्ट, फिर कहते हो सर रेस्पेक्टफुली, तो बीच में आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, छोटी सी बात के लिए खेल आमतौर पर सुरक्षित विषय नहीं है, तो क्या होगा? 91 का आपका ए सत्य है, छोटी सी बात के लिए आप कोई खेल कर रहे हो तो वह एक सुरक्षित विषय नहीं है, उसको बिल्कुल आपको आराम से कोई बात आप कर सकते हो। 92 देख लीजिए, सामान्य प्रकार के वर्णनात्मक क्वेश्चन हैं, क्या हैं? कुछ कैसे करें, कुछ कैसे काम करता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही जाएंगे ए बी दोनों सामान्य प्रकार के वर्णनात्मक क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपके 93 पर हम आ चुके हैं, मेमो देखो अभी आया था ना, तो जो संगठन है उसमें हमने संवाद करना है तो उसके लिए हमने दस्तावेज जो तैयार किया है वो मेमो है। अब हमें क्या करना है, मेमो की जो भाषा है उसको समझने के लिए क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष स्पष्ट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए, तभी तो आप उस संगठन में अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, STM अब आ चुका है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। HTML का उपयोग करके एक वेबसाइट पर एक वेब पेज बनाया जाता है, सही या गलत? ठीक है बताइए। 94 का मुझे लगता है जो आजकल के स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से उनको नॉलेज होती है कंप्यूटर के बारे में, तो ये आंसर तो सभी का सही गया होगा, सत्य जाएगा इसमें आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आ चुके हैं 95 पर, इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता निःशुल्क है, जो पैसे नहीं लेता आपसे? तो मुझे लगता है सभी होंगे, टूटू नोटा भी नहीं लेता, जीमेल भी नहीं लेता, मेलशिप भी नहीं लेता, ये सब फ्री सर्विस है, यानी कि निःशुल्क है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट है आपका OTP, आप जब कभी फॉर्म वगैरह भरते हैं, कोई भी काम करते हैं, जो भी आप फॉर्म वगैरह फिल किया आपने या फिर बैंक से रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी होती है तो वहाँ पर OTP आता है, तो आपने कभी सोचा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अगर नहीं सोचा तो सोचिए यहाँ पर कौन सा आंसर जाने वाला है। अगर आपने ए लगाया है, वन टाइम पासवर्ड, आपने देखा होगा 5 मिनट या 2-3 मिनट का टाइम मिलता है कि OTP बता दो जल्दी से, फिर वो ख़त्म हो जाता है OTP आपका 2-3 मिनट के बाद, फिर आपको नेक्स्ट दोबारा से प्रोसीजर करना होता है, फिर आपके पास दूसरा OTP आता है, तो ये वन टाइम पासवर्ड होता है और उसके बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सेवा गूगल के स्वामित्व में है?
यानी कि उसका होल्ड है उसके ऊपर गूगल का, किसका, याहू मेल का, जीमेल का, फेसबुक का, इनमें से सभी। तो जो गूगल है उसका सब पर कमांड है, याहू मेल, जीमेल और फेसबुक पर, इनके थ्रू हम ये सब चीज़ें चलाते हैं। चलिए 97 पर आ चुके हैं, सॉरी 98 पर। किस फोल्डर में जब जंक ईमेल होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनबॉक्स में, अवांछित में, स्पैम में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे। अब यहाँ पर सोच लीजिए 98 का अगर आपने देखा है स्पैम तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इनबॉक्स तो हमने आंसर पे ऊपर चला गया था, ये तो हमने अलग बताया था आपको, लेकिन जंक ईमेल जो होते हैं वो स्पैम में होते हैं। आप चेक करना अपनी ईमेल, आज आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट है, एक साथ कई प्राप्तकर्ता को भेजे गए ईमेल को क्या कहते हैं। अभी बिल्कुल मैंने ऊपर ये समझाया था, BCC, CCC, ये सब मैंने ऊपर अभी आपको समझाए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अलग बन रहा है। ब्लॉक ईमेल, डिजिटल ईमेल, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर देंगे। अब इन तीन में से हमें देखना है कि आंसर आपका जा रहा है, तो 98 का आपका जा रहा है क्रिएटर ईमेल, ठीक है। अब 100 पर आ चुके हैं हम, आपके 100 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जब आपको बोलने का कौशल अच्छा होता है तो आप क्या प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास, आपकी पसंद का काम, अवसर, व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट। वैसे तो मुझे लगता है चारों ही सही होने चाहिए थे ऑप्शन। भाई जब आपके अंदर बोलने का कौशल अच्छा होता है तो आप कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट भी होते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास भी आ जाता है, आपको अपनी पसंद का काम भी मिल सकता है आपको। तो चारों ही ऑप्शन सही जा रहे हैं, लेकिन हमें इन चारों में से एक सूटेबल आंसर ढूंढना पड़ेगा जो सबसे बेस्ट होगा आंसर। तो इसमें मुझे लगता है सबसे बेस्ट आंसर जाने वाला है आपका बी, आत्मविश्वास। बाकी तो सब हो ही जाएंगे, ठीक है। बाकी वैसे चारों ही आंसर यहाँ पर सही जा रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन आंसर में अगर हम चूज करेंगे तो आत्मविश्वास चूज करेंगे। चलिए 100 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, और अब एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। बीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन के, शेयर रुकना नहीं चाहिए और उन तक ये पहुंचना चाहिए। शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और हिंदी मिरर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म, आपका रिजल्ट आएगा तब, सारी बातें आप तक बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। जो भी नई जानकारी, नया नोटिफिकेशन जो भी आता है श्रीदेव सुमन की तरफ से, हमेशा 3 साल से काम चल रहा है हिंदी मिरर पर, तो बने रहिए आप भी, और सब्सक्राइब बेल आइकन हिट करके, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके नंबर कितने आए हैं। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के 40 अबाव बन ही गए होंगे, और जिनके नहीं बन पा रहे हैं तो हो सकता है, वैसे तो हमने आपकी ये ऑथेंटिक की बनाई है, तो हो सकता है कुछ नंबर इधर उधर हो जाएं आपके, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जब आपका रिजल्ट आएगा तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।